कानपुर भीड़भाड़ वाले इलाकों में पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन शातिर चोरों को मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार। शातिर चोरी के वाहन को कानपुर सेंट्रल के गेट नंबर 4 के पास एक कंपाउंड में छिपाते थे, जिसका खुलासा एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा द्वारा किया गया। वार्ता के दौरान बताया कि जनपद कानपुर शहर में वाहन चोरी के गैंग के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एक पुलिस सिपाही ने संदिग्ध बाइकर्स को पकड़ा। जानकारी करने पर पता चला कि वाहन चोरी का है, जिसमें तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान 10 चोरी की मोटरसाइकिल और एक स्कूटी चोरी करने की बात को कबूल की। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम अजय कुशवाहा, रोहित सिंह गौतम उर्फ सागर आकाश बताया। चोरी की मुख्य वारदात देने वाला रोहित तिवारी है, जो कि पहली बार पकड़ा गया है। आकाश आईटीआई में काम करता है। अजय, आकाश वाहन बिकवाने में मदद करते थे। जल्द ही आरोपित के पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। जो वाहन चोरों के ऊपर है, तो क्या आप मतलब बताना चाहेंगे, इसके कैसे आपने इसका वर्कआउट किया है और क्या क्या टीम का काम निकल रहा है? रेलवेगा थाना क्षेत्र में कल रात को चेकिंग करते हुए हमारे सिपाही ने एक संदिग्ध बाइकर को पकड़ा। वो पता चला कि बाइक चोरी हुई है, तो उससे हमें रियलाइज हुआ कि शायद ज़्यादा बड़ा वो जाम हो सकता है। तो धीरे धीरे पूछताछ करके हम लोगों ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोग बहुत सारी बाइक चोरी करते हैं, स्कूटी चोरी करते हैं, बेचते हैं, करवाते हैं। इसमें से मेन अभियुक्त है रोहित सिंह, वो मेन चोर है जो चोरी करता है, और अजय और आकाश इसके साथ लगे हुए हैं जो बाइक्स को बेचते हैं, या तो सेकेंड हैंड बेचते हैं या कबाड़ी वाले को बेचते हैं। इसमें रेल बाजार टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इन लोगों ने 11 व्हीकल्स पकड़े, जिसमें से 10 बाइक्स हैं और एक स्कूटी है। इसको पूरे कानपुर क्षेत्र में ट्रेस किया है। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास एक रेलवे का पुराना कंपाउंड है, जहाँ फिर थोड़ा सा आइसोलेटेड है, वहाँ पर भी हमने काफ़ी व्हीकल्स रिकवर किया। वहाँ पे ये लोग रखते थे ताकि इसको बेचा जा सके। तो तीन लोग काफ़ी सराहनीय काम किया है। मुकदमा उसका 17 लिखा जा चुका है रेल बाजार में, और सारा का सारा गैंग के पीछे हम खड़े हुए हैं। जो खबर देता था, जो इसको स्टेक आउट करता था, और जहाँ तक गाड़ियाँ गई हैं या तो बिकने के लिए या तो कटने के लिए, हम पूरे गैंग को इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वाहन चोरी में अक्सर देखने में आता है कि कानपुर सेंट्रल के आसपास या रेलवे के स्टैंड्स वगैरह में ये गाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तो क्या वहाँ पे कोई संलिप्तता पहले से रहती है या ऐसा? संलिप्तता नहीं है, बट एरिया इतना बड़ा है, इतने सारे रेलवे स्टेशन का एरिया इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है रेलवे स्टेशन के पास ही मिले। हमने ऑल ओवर कानपुर से भी रिकवर किया काफ़ी सारी बाइक, तो संलिप्तता तो नहीं है। बट डेफिनेटली हम ये भी कोशिश करेंगे कि आगे से जितने भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं रेल बाजार थाना क्षेत्र में, हम सबका कैमरे से ऑपरेशन करने के अंदर कवर करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें भी आगे से ना हो। रोहित जो मेन है, वो तो चोरी का ही काम करता है, पहली बार पकड़ा गया है, जिसे उसका पहला मुकदमा है। बाकी अजय आईटीआई में, हमें पता चला है कि वो आईटीआई में काम करता है। तो बाकी लोग हम पता करवा रहे हैं, और जैसे जैसे गैंग के मेंबर्स का पता चलता रहेगा, हम